नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा, रिवीजन हो रही है तुम्हारी, रिवीजन थेवनिन थ्योरम की, ठीक है। अब क्या होता है, जो पैटर्न कहता है वो ये कहता है कि मैश या नोडल में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, दोनों नहीं आएंगे, या तो मैश आएगा या नोडल आएगा। थ्योरम में से, थेवनिन थ्योरम या नॉर्टन थ्योरम में से एक टॉपिक पक्का आएगा, दोनों नहीं आए, दोनों थ्योरम नहीं आएंगी, एक ही आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में, थेवनिन थ्योरम के बारे में। इसमें भी मैं अगेन डीसी सर्किट के लिए पहले बता रही हूँ। स्टेप नंबर वन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। तुम्हें जिस ब्रांच में करंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा वो क्या होगा तुम्हारे पास, लोड रेजिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें 2 ओम में बोला हुआ है करंट फाइंड आउट करने के लिए, लाइक दे सेड फाइंड करंट इन 2 ओम बाय यूजिंग थेवनिन थ्योरम। तो तुम्हारे पास आरएल क्या हो जाएगा, लोड रेजिस्टेंस, दैट इज 2 ओम, ठीक है। आरएल क्या हो गया, 2 ओम। स्टेप नंबर टू में हमें क्या करना होता है, ओपन सर्किट आरएल, जो भी हमारा आरएल था उसको हमें क्या करना होता है, ओपन सर्किट, ठीक है। आरएल को हमें क्या करना है, निकाल देना है, बिल्कुल। तो डायग्राम इसमें हर स्टेप में रीड्रॉ करना है, क्या बनेगा इसका डायग्राम। बाकी सारा सर्किट एज इट इज है, इसमें बस डायग्राम में चेंजेस करने हैं। 4, 6, 10, 8, तो यहाँ पे ए मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे बी मार्क कर लेते हैं, राइट। आरएल था, आरएल को तुमने निकाल दिया, ओपन सर्किट मतलब उसे निकाल देना। स्टेप नंबर थ्री इज, स्टेप नंबर थ्री मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, कैलकुलेट वोल्टेज। कौन सी वोल्टेज कैलकुलेट करनी है, थेवनिन का नाम है तो ये कौन सी वोल्टेज मांगेगा, वी नीड टू कैलकुलेट थेवनिन वोल्टेज, ठीक है। थेवनिन वोल्टेज हमेशा किसके इक्वल होती है, वी टी एच इज इक्वल टू वी ए बी। जिन दो टर्मिनल्स पे हमारे पास लोड रेजिस्टेंस था वो क्या होगा हमारा, वी ए बी, ओके। अब तुम देखो, हमेशा ऐसे ही सोचना जैसे मैं तुम्हें बोल रही हूँ, तुम ए पे खड़े हो और कहाँ जाना है तुम्हें, बी पे जाना है, राइट। तो तुम ए से कहाँ पे जाओगे, सी पे, सी से कहाँ पे जाओगे, डी पे, और डी से कहाँ पे जाओगे, बी पे। तुम देख सकते हो ए और बी के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, राइट। तो वी ए सी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होगा, आई ए सी इंटू आर ए सी। बी सी डी भी क्या होगा, आई सी डी इंटू आर सी डी। बी डी बी भी क्या होगा, आई डी बी इंटू आर डी बी होगा। अब ये बताओ कि यहाँ पे क्या कोई ओपन सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 0। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे कोई करंट फ्लो हो रहा है तो ये भी कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे हमारे पास आर सी डी कितना है, 6। करंट कितना फ्लो रहा है, आई सी डी, ठीक है। अब अगर हमें आई सी डी की वैल्यू पता लग जाए तो हमारा काम बन जाए। आई सी डी की वैल्यू कैसे पता लगेंगे, मेश एनालिसिस से। तुम कैसे जा रहे हो, सी से डी, तो करंट भी कैसे जाएगा, सी से डी, ये ध्यान रखना हमेशा। जैसे तुम जा रहे हो वैसे ही करंट जाएगा, उससे उल्टा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं मेश की इक्वेशन बनाऊंगी तो क्या इक्वेशन बनेगी, -4ICD -6ICD +10 इज इक्वल टू 0। ICD की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1 एम्पियर आ गई। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 1 × 6, तो हमारे पास VTH की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 वोल्ट आ जाएगी। दैट इज स्टेप नंबर थ्री, यहाँ तक लिख लो। ये जो तुम्हारा सर्किट एंड सिस्टम का पेपर है, इसका सिर्फ तुम्हारा एक ही पेपर हुआ हुआ है, मतलब जो तुमसे सीनियर वाला बैच था ना कंप्यूटर साइंस का, उन्होंने ही ये पेपर दिया हुआ है। उसके अलावा जो उनसे सुपर सीनियर से तुमसे, उन्होंने ये पेपर नहीं दिया हुआ, क्योंकि तुम्हारे कोविड के टाइम पे सिलेबस चेंज हो गया था, ठीक है। पहले सर्किट एंड सिस्टम कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट नहीं था, आईपी ने अब डाला है सर्किट एंड सिस्टम कंप्यूटर साइंस में। ये किसी भी यूनिवर्सिटी में सर्किट एंड सिस्टम कंप्यूटर साइंस का है ही नहीं सिलेबस,
ये इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे नहीं पढ़ते। तो इसका सिर्फ तुम्हारा एक ही पेपर है जो मैं तुम्हें भेज दूंगी। दूसरा पेपर जो तुम्हारा, ये जो हो पेपर हुआ है, जो मेन पेपर हुआ है, वो जुलाई में ही हुआ है, क्योंकि ये ऑड्स वो इवन सेम वाला पेपर है। तुम्हारा भी तो अब जुलाई में ही होगा ना। एक कुछ बच्चों के पास पेपर था फेब्रवरी वाला, जो तुमने भी मुझे भेजा था ना फेब्रवरी वाला, तो वो उसका कोड भी अलग है। तुम चेक कर लेना कोड से, जो तुम्हारे सिलेबस का कोड है वो जुलाई वाले पेपर से मैच करता है, इससे मैच नहीं करता। सिलेबस सेम है तो मुझे लग रहा है, मुझे कंफर्म नहीं है बट मुझे लग रहा है ये USICT वालों का पेपर है, जो फेब्रवरी वाला पेपर है। ठीक है, और लास्ट ईयर का पेपर उठाओगे तो ईजी था, थ्योरी दी हुई थी उन्होंने, बट मुझे नहीं लगता इस बार थ्योरी आएगी, वो फर्स्ट टाइम था, तो नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, इन्होंने इस बार मिड टर्म का मुश्किल दे दिया था पेपर, मिड टर्म का काफ़ी हार्ड दे दिया था। स्टेप नंबर 3 डन, उसके बाद हम आ जाते हैं स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप नंबर 4 में हमें क्या करना होता है, कैलकुलेट थेवनिन रेजिस्टेंस। राइट, थेवनिन रेजिस्टेंस मतलब हमें क्या निकालना है, RTH। RTH निकालने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। क्या वोल्टेज सोर्स को हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट, और अगर हमारे पास करंट सोर्स है तो उसको हम क्या करेंगे, ओपन सर्किट। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास वोल्टेज सोर्स है तो उसके लिए दरवाजे बंद कर दिए, ऐसे याद रख लेना, और करंट सोर्स आ रहा है तो उसके लिए हमने दरवाजे खोल दिए। तो इस सर्किट में तो हमारे पास सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स ही है, तो वोल्टेज सोर्स के दरवाजे बंद कर दिए। ठीक है, बाकी तुम्हारा डायग्राम एज इट इज रहेगा। 4 6 8, ये 4 है, 6 है, 8 है, ए बी। तो अब हमें क्या निकालना है, RTH इज इक्वल टू RAB। ओके, ठीक है, अब कैसे निकाल सकते हो, तुम ए पे खड़े हो और कहाँ पे जाना है, बी पे जाना है, ये सारे 8 ओम 4 ओम 6 ओम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। जो फ्रेंड तुम्हारे एक ही रास्ते पे आता है वो क्या है, सीरीज में, और जो फ्रेंड अलग अलग रास्ते पे आता है वो किस में है, पैरेलल में। क्लियर, शुरुआत हमेशा कहाँ से करोगे, जो सबसे दूर है, 4 ओम सबसे दूर है ए से। तो 4 ओम का घर और 6 ओम का घर एक ही रास्ते पे आ रहा है या अलग रास्ते पे आ रहा है, क्यों दोनों के घर जा सकते हो, ए से चल रहे हो, दोनों से मिलके आ सकते हो, एक ही रास्ते पे आ रहा है अलग रास्ते पे आ रहा है, अलग आ रहा है, तो इसको क्या हो जाएगा, 4 पैरेलल 6 और उसके साथ कंबाइन होके 8 ओम। राइट, अब ये दोनों का घर एक ही रास्ते पे आ रहा है या अलग रास्ते पे आ रहा है, तो ये दोनों सीरीज में, तो RAB हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 × 6 / 4 + 6 + 8, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 2.4 + 8, दैट विल बी 10.4 ओम। RTH आ गया। लास्ट एंड फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर 5, हमें क्या निकालना था, करंट निकालना था, और हम करंट निकालेंगे। सारे सोर्सेस को कंबाइन करके हमने एक सिंगल सोर्स बना लिया, उसे हम किससे डिनोट करते हैं, VTH से। सारे रेजिस्टेंस को कंबाइन करके एक हमने सिंगल रेजिस्टेंस बना लिया, दोनों को सीरीज में लगा दिया। ठीक है, उसको किससे डिनोट करते हैं, RTH से। ए और बी टर्मिनल से देखो, हमने RL को बाहर निकाला था, RL कितना था, 2 ओम, उसी ए और बी टर्मिनल पे हम RL को वापस ले आएंगे 2 ओम को। अब इस 2 ओम के अक्रॉस हमें करंट निकालना है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V/R, तो V कितना होगा, VTH डिवाइडेड बाय RTH और RL सीरीज में। VTH हम निकाल चुके हैं, कितना आया था हमारे पास, 6 वोल्ट आया था। RTH भी हम निकाल चुके हैं, कितना आया था, 10.4 आया था, और RL हमारे पास 2 ओम है। सॉल्व करके तुम्हारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखो स्टेप्स कैसे याद रखने हैं। स्टेप नंबर 1, मान लो RL तुम हो, तुम्हें अपने आप को ढूंढना है, ठीक है, ढूंढ लिया। स्टेप नंबर 2, तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया,
ठीक है, क्योंकि तुम पढ़ लिख रहे नहीं थे, कुछ काम भी नहीं कर रहे थे, और सर्किट एंड सिस्टम में बैक आ गई। तो घर वालों ने कहा कि ट्यूशन भी पढ़ी, पैसे भी दिए, और फिर भी बैक आ गई, निकले तुम घर से। ठीक है, तो उसके बाद तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे अंदर का पोटेंशियल कैलकुलेट करा। पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, कि नहीं मेरा बेटा इतना भी निकम्मा नहीं है, उसने मेहनत तो करी थी, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में तुम्हारे पापा ने तुम्हारे अंदर की कमियां निकाली, रेजिस्टेंस मतलब कमियां। ठीक है, फुल एंड फाइनल क्या डिसाइड हुआ? जो तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारा पोटेंशियल कैलकुलेट करा था वो रखा, जो तुम्हारे पापा ने तुम्हारे अंदर की कमियां निकाली थी वो रखी, दोनों को पॉइंट्स को साथ में रखा, और फिर क्या डिसाइड हुआ? तुम्हें वापस घर पे बुलाया जाए। तुम घर पे आ गए और उसी जगह पे आए जहाँ पे से तुम निकाले गए थे। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये तुम्हें थेवनिन से करना है। ठीक है, अब इसमें तुम्हें क्या बोला हुआ है, 5 + J2 मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया, RL। इसके अक्रॉस तुम्हें करंट निकालना है। सेम स्टेप्स वैसे ही फॉलो करोगे जैसे मैंने तुम्हें बोले थे। इसमें देखो मैं थोड़ी हिंट दे देती हूँ, ये तुम्हारा RL है, तो सबसे पहले क्या करना होता है, RL को रिमूव करना होता है, मतलब तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, और उसके क्रॉस हमेशा क्या मार्क करना होता है, ए एंड बी, राइट। अब तुम कहाँ पे खड़े हो, ए पे, जाना कहाँ पे है, बी पे। यही पैटर्न रखना, चेंज मत करना। ए से कहाँ गए, सी, सी से कहाँ गए, डी, डी से कहाँ गए, ई, ई से बी। यहाँ से भी जा सकते हो, मर्जी है तुम्हारी, मैंने ये छोटा पढ़ रहा था तो मैंने ये ले लिया। ओके, तो VAC + VCD + VDE + VEB यही होगा। अब VAC देखो क्या है, ओपन सर्किट है, क्योंकि 3 ओम में तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा ना, तो ये कितना हो जाएगा, 0। VCD कितना होगा, ICD × RCD, RCD कितना है, 5 है। PDE कितना है, डायरेक्ट वोल्टेज है और हमें भी वोल्टेज चाहिए, तो उसको डायरेक्ट लिख लो, 20 ∠0°। PB में भी कुछ भी नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब प्लस माइनस का मैं बताती हूँ क्या चक्कर होता है। देखो तुम कैसे जा रहे हो, सी से डी, डी से ई, ई से बी, तो करंट को भी कैसे भेजना है, ऐसे ही भेजना है। मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि जैसे करंट जा रहा है वैसे ही तुम जाओगे। ठीक है, अब करंट जा रहा है तो साइन मार्क कर लो, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, या तो सबका पहला साइन लेना है या सबका दूसरा लेना है। ठीक है, अब पहला मैंने पहला ले लिया, तुम्हें दूसरे की आदत है, कोई बात नहीं, दूसरा ले लो, तो कितना हो जाएगा, -ICD × 5 और -20 ∠0। तो बेसिकली जो VTH आएगा वो तुम्हारा नेगेटिव में आएगा, वोल्टेज कभी भी नेगेटिव में नहीं आती, तो अगर नेगेटिव में आ भी रहे तो उसको अल्टीमेटली तुम्हें क्या करना है, पॉजिटिव ही करना है। जैसे -10 आ गए तो उसको -10 नहीं लिखना, उसको +10 ही लिखना है। क्लियर ये चीज़? अब अगर तुम्हारा ICD निकल जाए तो हमारा VAB निकल जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग देखो हमारे पास कितने मेश हैं, दो मेश हैं, I1 I2। तो मेश की इक्वेशन बनाऊं, I2 की डायरेक्शन और करंट सोर्स की डायरेक्शन सेम है, तो 20 ∠0 पॉजिटिव हो जाएगा। फर्स्ट वाले मैश की बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, -5 I1 -20 ∠0, फिर -J2 I1 -I2, देन -2 I1 -I2 = 0। यही होगा, I2 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 20 ∠0। यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो तो तुम्हारे पास I1 की वैल्यू आ जाएगी, जो ICD के इक्वल है। ICD की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो तो VAB आ जाएगा। मेरे पास फाइनल VAB वाला आंसर है, मैं वो बता रही हूँ तुम्हें। सॉल्व ये तुम्हें होमवर्क में करके देखना है कि क्या आ रहा है, और ये आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो मुझे बताओगे कि क्या आंसर आ रहा है और क्या दिक्कत है, तो मैं चेक कर लूंगी। बट फाइनली तुम्हारा VTH या VAB ये आएगा। गॉट इट? इसमें देखो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या निकालना है, वहाँ पे हम निकालते थे RTH, अब हम क्या निकालेंगे, ZTH। RTH नहीं बोलोगे अब उसे तुम। उसके लिए हमें क्या करना होता था, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट,
राइट। तो अगर हम ये वाला सर्किट लेंगे तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना है और करंट सोर्स को हमें क्या करना है, ओपन। तो मैं एक बार सर्किट रीड्रॉ कर लेती हूँ। वोल्टेज को शॉर्ट करा, यहाँ रेजिस्टेंस, देन हमारे पास यहाँ पे ए टर्मिनल, बी टर्मिनल और यहाँ पे 2 और माइनस जे 2, वो ओपन हो गया, राइट। यहाँ पे 5 ओम, 2 और माइनस जे 2। अब सबसे पहले ये बताओ, अगर तुम ए पे खड़े हो और कहाँ जाना है, बी पे जाना है, राइट, तो किसका घर एक ही रास्ते पे आ रहा है और किसका घर अपोजिट रास्ते पे आ रहा है। तो अगर मैं देखो, ध्यान से देखना, तुम ए से चले, ओके, ए से चले, तो 5 ओम का घर और 2 माइनस जे 2 का घर एक ही रास्ते पे आ रहा है या अलग रास्ते पे आ रहा है? अलग रास्ते पे आ रहे ना, या तो इसके घर जाओगे क्योंकि जाना तो तुम्हें बी पे है, या इस साइड से जाओगे। तो इसका मतलब 5 पैरेलल इज 2 माइनस जे 2। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 2 माइनस जे 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2 माइनस जे 2, करेक्ट। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10 माइनस जे 10, 7 माइनस जे 2, ये आ गया। अब फिर से रीड्रॉ करो सर्किट। अब जो भी है, 3 ओम ही बचा है, तो इन दोनों को कंबाइन करके तुम्हारा एक सिंपल सर्किट बन गया, ये वाला। मेरे को नहीं पता कितना आएगा इसको सॉल्व करके, बट ये बन गया, और ये हमारे पास 3 ओम एज इट इज। अब फिर से तुम 3 से ए से चले और बी पे गए हो, तो ये दोनों क्या है, सीरीज में है या पैरेलल में है? इनका घर एक ही रास्ते पे आ रहा है तो सीरीज में है, तो उसमें 3 ऐड कर दो, 3 प्लस 10 माइनस जे 10 डिवाइडेड बाय 7 माइनस जे 2। इन दोनों को तुम डायरेक्ट कैलकुलेटर से कॉम्प्लेक्स मोड में डिवाइड कर सकते हो, तो फाइनली तुम्हारा क्या आ जाएगा, 4.79 एंगल माइनस 11.35, ठीक है, ये आ गया तुम्हारा ZTH। एंड लास्ट एंड फाइनल स्टेप, हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। करंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स जो कि आया था हमारा 47.06 एंगल माइनस 29.05, ZTH आया था 4.79 एंगल माइनस 11.35, और हमने वापस किसको लगा देंगे, लोड रेजिस्टेंस को। लोड रेजिस्टेंस कितना था, 5 प्लस जे 2। तो अब हमें फाइनली क्या निकालना है, करंट। करंट का क्या फॉर्मूला होगा, V बाय दिस प्लस दिस। तो 47.06 एंगल माइनस 29.05 डिवाइडेड बाय दीज टू टर्म्स, तो 4.79 एंगल माइनस 11.35 प्लस 5 प्लस जे 2। यहाँ से हमने करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। ये भी पूरा तुम्हें होमवर्क में सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आएगा तुम्हारा 4.73 एंगल माइनस 39.96 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो हमें, मैं एक तुम्हें थेवेनिन पे बेस्ड क्वेश्चन दे रही हूँ, उसके बाद मैं नॉर्टन करवाऊंगी। डायग्राम बनाऊं, ये है तुम्हारे पास 6 एंगल 0 डिग्री, ये 5 ओम, 4 ओम, जे 5 ओम, माइनस जे 2, 4 एंगल 0 डिग्री। इसमें तुम्हारा ये क्या है, RL, ठीक है। मैं फिर से अगेन आंसर बता देती हूँ सो दैट तुम क्रॉस चेक कर सको। VTH आएगा हमारे पास 20.8 एंगल माइनस 126.87, ये होमवर्क लिख लेना। ZTH आएगा तुम्हारे पास 2.4 एंगल 53.13, और फाइनली करंट आएगा 3.1 एंगल माइनस 143.47। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत अप्रॉक्स सेम आना चाहिए। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किसके बारे में, नॉर्टन थ्योरम के बारे में। जैसे हमने थेवेनिन थ्योरम के स्टेप्स पढ़े थे, उसी तरह हम नॉर्टन थ्योरम के स्टेप्स पढ़ेंगे। स्टेप नंबर 1, दैट इज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस, ठीक है।
फिर से मैं एक सिंपल सा डीसी वाला सर्किट ले रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम एसी के लिए मूव करेंगे। 4, 6, 8, 10, 2। अब मान लो यहाँ पे हमें करंट निकालना है 8 ओम में, तो हमारा आरएल कितना हो जाएगा बताओ? 8 ओम हो जाएगा। स्टेप नंबर टू, वहाँ पे थेवनिन में हमने क्या करा था, ओपन सर्किट करा था या शॉर्ट सर्किट करा था? और इसमें हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट के लिए मैं इसी में ही चेंजेस कर रही हूँ। 8 ओम को हटाओ और उसके अक्रॉस एक प्लेन वायर को कनेक्ट कर दो, शॉर्ट सर्किट आरएल। अब थेवनिन में बताओ हमने स्टेप नंबर थ्री में क्या करा था, वोल्टेज निकाला था या क्या निकाला था, करंट निकाला था? थेवनिन वोल्टेज निकाला था ना। अब इसमें हम नॉर्टन है तो नॉर्टन करंट के नाम से निकालेंगे, IN। ओके, तो यहाँ पे ए और बी के टर्मिनल के अक्रॉस IN मार्क कर लेना। गॉट इट? अब हमें किसी तरह IN निकालना है, फिर से वही आ जाओ मेश पे। ये I1 है, ये I2 है, मेश एनालिसिस लगाओगे तो IN की वैल्यू कितनी होगी, I1 - I2। क्योंकि I1 की डायरेक्शन और IN की डायरेक्शन क्या है, सेम है तो पॉजिटिव, I2 की डायरेक्शन और IN की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है तो नेगेटिव। तो अगर mesh 1 लगाएंगे तो -4I1 + 10 = 0, और -6I2 - 2I2 = 0। I2 यहाँ पे हो गया 0, I1 कितना हो गया 10/4, तो यही आ गया तुम्हारे पास IN, दैट इज 10/4, 5/2, दैट इज 2.5 एम्पीयर। गॉट इट? बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, स्टेप नंबर 4। हमें वहाँ पे हमने थेवनिन रेजिस्टेंस निकाला था, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, नॉर्टन रेजिस्टेंस। नॉर्टन रेजिस्टेंस को हम RN से डिनोट करते हैं। वोल्टेज सोर्स को हम क्या करते हैं, सेम प्रोसीजर है शॉर्ट सर्किट जो थेवनिन में करा था। करंट सोर्स को हम क्या करते हैं, ओपन सर्किट। बट इसमें एक चीज़ और ऐड हो जाएगी, RL वहाँ पे हमने पहले से ही ओपन सर्किट करा था और यहाँ पे हम करेंगे। लाइक हमारे पास ये डायग्राम है, वोल्टेज सोर्स को क्या कर दो शॉर्ट, RL यहाँ पे था इसको ओपन कर दो, और फिर से तुम्हें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास 4, 6, 2। तो अब बताओ मुझे RAB = RN कितना होगा? ए पे खड़े हो, बी पे जाना है, 6 और 2 एक ही रास्ते पे आ रहा है, अलग रास्ते पे? तो 8 हो गया, और 8 और 4 ये दोनों अलग रास्ते पे आ रहे हैं, एक ही रास्ते पे, अलग अलग रास्ते पे। ठीक है, या तो 8 के घर जा सकते हो, 4 के। तो ये हो गया 8 × 4 / 8 + 4, 32/12। नाउ लास्ट एंड फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर 5, कैलकुलेट करंट। वहाँ पे हमने वोल्टेज सोर्स निकाला था तो वोल्टेज का सिंबल बनाया था VTH, यहाँ पे हमने करंट निकाला है तो हम करंट सोर्स का सिंबल बनाएंगे IN, नॉर्टन करंट। वोल्टेज सोर्स के साथ हमेशा सीरीज में रेजिस्टेंस होता है, करंट सोर्स के साथ हमेशा पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है, राइट? ए और बी के अक्रॉस हमने ए RL लगा दिया था, यहाँ पे भी ए और बी के अक्रॉस हम RL लगा देंगे। तो अब हमें RL के अक्रॉस करंट निकालनी है, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, IN × RN / RN + RL। IN पता है, RN पता है, RL पता है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करके I की वैल्यू निकालो। देखो मैं बताती हूँ, नॉर्टन इक्विवेलेंट का सबसे पहले मतलब होता है तुम्हें IN निकालना है और तुम्हें क्या निकालना है, ZN निकालना है। ठीक है, अब IN के लिए तुम ए और बी, इन्होंने फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी करके दे दिया, ओपन सर्किट। यहाँ पे करंट फ्लो होगा कितना, होगा हमारे पास IN। तो सिंपल मैश लगा लो, कितने मैश हैं,
आई वन आई टू आई थ्री, राइट। तीन वेरिएबल, तीन इक्वेशन। अब तुम्हें आई एन चाहिए। अब ये बताओ, आई थ्री की डायरेक्शन और आई एन की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? तो सेम है तो क्या हो जाएगा, आई थ्री पॉजिटिव। आई टू की डायरेक्शन और आई एन की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? तो माइनस। तो मैश एनालिसिस, सॉरी आई टू हो जाएगा, मैश एनालिसिस से आ जाएगा आई थ्री और आई वन और आई टू। अब उसके बाद लास्ट में तुम्हें क्या निकालना है, जेड एन निकालना है। जेड एन के लिए तुमने कभी, याद होगा तुमने कभी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, ये ब्रिज टाइप का सर्किट पढ़ा था, पढ़ा था ना, व्हीट स्टोन ब्रिज टाइप का सर्किट। तो ये उसी तरह से ही है। मैं फिर से डायग्राम अगर रीड्रॉ करूँ तो वोल्टेज सोर्स को क्या करना है, शॉर्ट सर्किट, राइट, और करंट सोर्स को क्या करना होता है, ओपन सर्किट। इसमें करंट सोर्स है नहीं, तो ये बाहर वायर प्लेन वायर ना बना के मैं अंदर बना दूँ, एक ही बात है, या बाहर ही बना लो, कंफ्यूज हो जाओगे ऐसे। ठीक है, यही बनेगा। अब तुम ए पे खड़े हो, कहाँ जाना है, बी पे। ये वाला इम्पीडेंस और ये वाला रेजिस्टेंस एक ही रास्ते पे है या अलग रास्ते पे? अलग अलग पे है, तो इसका मतलब पता लग गया, जेड वन पैरेलल जेड टू। बी से जा रहे हो तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला इम्पीडेंस एक ही रास्ते पे है या अलग रास्ते पे? अलग है, तो ये भी पता लग गया, जेड थ्री पैरेलल जेड फोर। इसको कंबाइन करके एक ये बन जाएगा और एक ये, तो दोनों ये सीरीज में आ जाएंगे। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा जेड एन। सॉल्व करके देखना, आ गया ठीक है, नहीं आया तो मैं बताऊंगी वैल्यूज, आंसर मैं बता रही हूँ। जेड एन का आएगा तुम्हारा 6.72 ओम, और आई एन का आएगा तुम्हारे पास 0.51 एंगल -135 डिग्री एम्पियर। गॉट इट? अब मुझे आई एन की इक्वेशन, ये मैश की इक्वेशन निकाल के बता दो क्या आएगी। हाँ एक मिनट, ये ना सेव हो रहा है, हिलेगा नहीं। बताओ, इसमें कुछ थी, दिक्कत थी, घबराने वाली बात थी जो तुम इतना घबरा रहे थे, अभी करना है, अभी करना है, अभी करना है। ऐसा कुछ नहीं, पूरा महीना है तुम्हारे पास। पंद्रह से स्टार्ट है तुम्हारे प्रैक्टिकल, पता है मुझे, चार चार, चार प्रैक्टिकल है तुम्हारे। अब तुम